कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तुसारी में छात्रावास वार्डन और एक शिक्षिका के बीच हुई मारपिटाई की घटना को लेकर 10 दिन बाद राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रधानाध्यापिका बीना चौधरी, वार्डन नमिता चौधरी और शिक्षिका हेमा चौधरी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी और मूल विभाग नियंत्रण अधिकारी के यहाँ रिवील कर दिया। राज्य स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के आदेशानुसार शिक्षिका हेमा चौधरी और नमिता चौधरी को तुसारी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से रिवील कर मूल विभाग नियंत्रण अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा बलोत्रा के यहां कार्य ग्रहण करेगी। वहीं प्रधानाध्यापक बीना चौधरी बाड़मेर के जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा में उपस्थिति देंगी। वहीं मामले में नोडल अधिकारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुसारी को हटाकर विद्यालय टीकरी कर दिया गया। मामले में ग्रामीणों ने 10 दिन में दोषी शिक्षिकाओं को हटाने की चेतावनी दी थी। इधर ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई, जबकि प्रधानाध्यापिका ने गांव वाले के सामने खुलेआम कमीशनखोरी का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि 29 जनवरी रात्रि को शिक्षिका हेमा और वार्डन नमिता के बीच हुई मारपीट की घटना को लेकर 3 स्तर पर जाँच हुई थी, जिसमे स्थानीय प्रशासन की ओर से 30 जनवरी को CBEO उमेश जैन व कठुमर के प्रधानाचार्य विराज चौहान और इसी दिन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक मनोज कुमार शर्मा और 31 जनवरी को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीना ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और दोषी मानते हुए रिपोर्ट राज्य परियोजना निदेशक को भेजी थी।